नमस्कार, हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। बंधुओ, हर्बल पॉइंट हमेशा आपके लिए आसपास के पेड़ पौधे, घास फूस, किचन के मसालों के औषधीय गुणों के द्वारा आपके तमाम रोगों से मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो अपना रहा है। इस पर काफी शोध करने के बाद जो बातें सामने आती है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आज जिस वनस्पति को लेके हम आपके पास आ रहे हैं वो आपके गांव में खूब होता है और वो आपने देखा भी है, वह है इंद्रायण बड़ी। देखिए, इसको कहते हैं कोलोसिंथ अंग्रेजी में या बीटर एप्पल। देखिए, इसको लैटिन में कहते हैं साइट्रलस कोलोसिंथिस। ये बिल्कुल देखिएगा, जमीन पर बेल के तरह ये फैला हुआ और ये रोमयुक्त खुरदुरी पत्ते जो है कटे किनारेदार आप देख रहे हैं, तारबूजों के पत्तों जैसे देख रहे हैं, 2 से 3 इंच लंबे, फूल भंटे के आकार का पीला, फल देख रहे हैं गोल गोल 2 से 4 इंच गोलाई के, चिकने कच्चे में हरे और पक्के में पीले। बीज जो होता है वो कालापन लिए कथई होता। देखिए, ये 3 तरह के जो होता है इसके इंद्रायण के, बड़े, छोटे और लाल। तो अब देखिए, तीनों के बारे में अभी तो मैं बड़े को लेकर चल रहा हूं, छोटे लाल का भी एक हल्का सा संकेत हम आपको देंगे और उसके अंतर को भी थोड़ा सा समझाएंगे। भारत में यह सर्वत्र उपलब्ध है, खास करके राजस्थान में और आप देखिए मध्य भारत में और पश्चिम और उत्तर के प्रांतों में। इसके फल और गूदे में कड़वा सत्व कोलोसिंथिन, ग्लूकोसाइड, कोलोसिंथेलिन, पेक्टिन और देखिए गोंद और क्षार, और जड़ में भी कुछ मात्रा में कोलोसिंथिन उपलब्ध है। इसका गुण जो होता है वो विरेचक, केश वर्धक, रक्त शोधक, शोथहर और कफ निस्सारक, प्रमेहर, देखिए व्रण शोधक, कटु और पौष्टिक होता है। यूनानी मत के हिसाब से जो इंद्रायण है वो 3रे दर्जे का गर्म होता है और 2रे दर्जे का रुक्ष होता है। देखिए, और यूनानी मत ने भी जो पहले बताया गया उस सारे गुणों की पुष्टि करता है। कर्नल चोपड़ा इसको आयुर्वेद की ऐसी पुरानी दवा मानते हैं जो ये कहते हैं कि इस औषधि का फल जो है सो वो विरेचन गुण काफी रखता है, जो पित्त कब्ज और आंत के कीड़ों के लिए लाभकारी है। इससे वो ज्वर भी कम होता है और इसके जड़ जो होते हैं वो जलोदर, पीलिया और मूत्र रोग, आम बात के अलावा मधुमेह में भी लाभदायक होता है। इसके अनेक विरेचक गोलियां बनाई जाती हैं दूसरे सिस्टम में भी। KLD इस कोलोसिंथ नामक ये ग्लूकोसाइड इसमें होता है, उन्होंने बताया, जो आतरियों के ग्रंथियों को उत्तेजित करके पतला दस्त करता है, आंतों में वो दर्द पैदा कर देता है और गर्भवती महिलाओं को अगर इसको खिलाया जाए तो गर्भपात तक हो सकता है। देखिए, ब्रिटिश मेटेरिया मेडिका के अनुसार यह उपरोक्त रोगों का समर्थन तो करता ही है, एक ऋतु श्राप में भी इसके प्रयोग की अनुशंसा करता है। मेटेरिया मेडिका ऑफ ये थेरोप्यूटिक्स में डॉक्टर विलियम वेटिल ने कहा, इसके विरेचक और तेज मरोड़ देने वाले औषधि अकेले नहीं, इसे एल्बा तथा पारा के साथ देने से यकृत का रोग और पुराना से पुराना कब्ज भी दूर होता है। देखिए, आपका स्तन में शोथ हो गया हो, महिलाओं को सूजन और उसके कारण दर्द हो गया हो, घाव भी होने की संभावना हो जो बैठ फूटा नहीं हो, तो इसके जड़ को लेप कर दीजिए, पुलटिस बांधिए तो उसमें लाभ करेगा। देखिए, मूत्र रोग में पेशाब आपका हो नहीं रहा है, कड़कदार हो रहा है, बंद हो गया है, तो इसके जड़ और रेवंद चीनी दोनों को मिला के आप पान सेवन कराइए, रुद्र रूप में लाभ करें।
फड़ा पेट फूल गया हो, पेट फूल गया हो तो आप देखिए इसके जो इंद्रायन का जो गिरी है उसको एलवे के साथ पीस करके आप गर्म पानी सुषुम पानी के साथ प्रयोग कराइए तो आपको काफी लाभ होगा। प्रसव कष्ट में हो रहा, प्रसव काल में जब हम किसी औषधालय में ये हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो लेडी डॉक्टर कहती है कि ये तो बड़ा है, इसको सीजेरियन ऑपरेशन करके निकलेगा, सीजेरियन कराना पड़ेगा। आप घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप इसके जड़ को पीस करके गाय के घी में मिला दीजिए और उसके यौनांग के आसपास लेप कर दीजिए, देखिए आपका जो प्रसव कितनी आसानी से वो हो जाएगी और बड़े बिना तकलीफ के। उपदंश सुजाक जो पुरुषों का यौन रोग है जो संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है, इसके लिए आप क्या कीजिए कि जड़ को आप चौगुने पानी में उबालिए, जब आधा बच जाए तो उसको आप शक्कर या बुरा के साथ प्रयोग कीजिए, उपदंश और सुजाक में काफी लाभ होगा। सूजन की चर्चा हमने की है, सब सूजन की दूसरे जगह भी अगर सूजन हो तो इसके जड़ को सिरके के साथ पीस करके उसका लेप कीजिए। संधिवात जैसे ज्वाइंट पेन हो, गठिया हो, साइटिका हो, इसका जड़ को पिपल्ली के साथ 5-5 ग्राम लीजिए, 20 ग्राम उसमें शक्कर मिलाइए और 1-1 चम्मच दिन के 2 बार सुबह शाम प्रयोग कीजिए तो आपके जोड़ों के दर्द में संधिवात में काफी लाभ होगा। योनि शूल आपके यौनांग में अगर किसी तरह का दर्द हो तो आप इसका प्रयोग कीजिए। इसका क्या कीजिए कि इसके जर का को लेके आप गाय के दूध में आप प्रयोग कीजिए, इसका जो बीजों का तेल है उसको सिर पर मालिश कीजिए, इससे आपका योनि शूल खत्म हो जाएगा। कंठमाला के लिए भी आप इसको याद कीजिए, इसके जड़ को गोमूत्र के साथ पीस के उसको या तो पीना पीजिए और लेप भी कीजिए तो कंठमाला पर काफी लाभ होगी। ये काफी एंटी डायबिटिक है, डायबिटीज के रोगियों के लिए भी काफी लाभदायक है। इसके जड़ को आप पिपल्ली के साथ पीस करके आप गोलियां बना लीजिए, गोलियां बना के आप माने वो खास करके बेल के बीजों के समान गोलियां बनाइए और 1 या 2 गोलियों का प्रयोग सुबह में खाली पेट कीजिए, शाम में फिर खाली पेट कीजिए तो आपका लाभ होगा। देखिए बालों को काला करने में तो ये कमाल का है, इसके बीज को नारियल के तेल में आइदर आप गर्म कर दीजिए और गर्म करके छान लीजिए और उसको सिर में मालिश कीजिए तो बालों कुछ दिनों में बाल काला हो जाएंगे। इसके लिए आप इंद्रायन का जर 3-5 ग्राम दूध चूर्ण दूध के साथ भी पीजिए, पीना शुरू कीजिए और देखिए अगर उसको आप बाल को जड़ से मुड़वा लेते हैं, आप सफाचट केस करवा लेते हैं और उस पर तेल का मालिश अगर करते हैं तो जड़ से ही वो काला पैदा लेगा। अब समार के केस में मिर्गी आ रहा बड़ी परेशानी होती है बंधु, तो उसमें इसके जड़ का चूर्ण को नस लीजिए तभी वो ठीक हो जाएगा। आपका कामला रोग यानी जॉन्डिस की चर्चा की है, इसके जड़ को चूर्ण गुड़ के साथ प्रयोग कीजिए तो उससे आपका ये जॉन्डिस रोग में भी लाभ होगा। कई जगह इतने लाभ के बाद भी कुछ सीमाएं भी इसके है, चूंकि ये बहुत ही लेने से पेट में मरोड़ पैदा करता है और काफी इतना दर्द होता है कि आदमी बेचैन हो जाता है, इसीलिए ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी उपयोग न करें। ऊपर भी हमने बताया कि गर्भपात तक हो सकता है, कमजोर व्यक्तियों और बच्चों के लिए तो इसका प्रयोग हरगिज न करें। और देखिए हर चीज का प्रयोग तो आप हिसाब से कीजिएगा ना, और एक बार और बताए थे कि इसके जो छिलके होते हैं और जड़ होता है ये काफी कठिनाई पैदा करता है, उसका प्रयोग कभी मत कीजिए। कई लोगों ने इस बात को कहा है और ये प्रमाण है कि वो इसका छिलका और छाल इस सब का प्रयोग ना कीजिए, कहीं भी इसका नहीं किया गया है। जड़ का प्रयोग किया गया है, आप देखते हैं फल का प्रयोग किया गया, बीज का प्रयोग किया गया। अब इन शब्दों के साथ आपके इतने गुणों का बखान करते हुए साधारण सा ये इंद्रायन जो इसका एक वो ऐसा भी होता है कि इसके 2 तरह के और होते हैं जिसके गुण भी करीब करीब ऐसा ही होता है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको वो छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा इंद्रायन जो होता है वो लाल रंग का होता है, जो लाल होता है। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, एक आग्रह के साथ कि आप अपने कॉमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आपको अपनी राय जरूर लिखिए,
आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और उसके बाद कठिनाई हो तो इस नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए 9430416408। और हमारा जो क्लिनिक है वो बेगूसराय रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन पर 2-3 मिनट का वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये देख रहे हैं यही क्लिनिक है और यहाँ आइए और आपके तमाम रोगों का इलाज यहाँ संभव है। धन्यवाद।